तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि तद्यमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तद्यमपि धम्मं शरणं गच्छामि तद्यमपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं संपूर्णं पानातिपाता वेरमणि शिखापदं समादिगामि अदिन्नदाना वेरमणि शिखापदं समादिगामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादिगामि मुसावादा वेरमणि शिखापदं समादियामि सुरामेरै मद्यपमादकाना वेरमणि शिखापदं समादियामि वर्णगन्धगुणोपेतं गीतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस श्रीपाद सरोरुये पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन पूयेङ्गमेतेन लोभामि मुखं कूपं मिलायति एतायिदं मे कायो तथा याति विनाशभाव गन्धसंवारयुतेन धूपेनां सुगन्धिना पूजये पूजनीयन्तां पूजभाजनमुत्तमं सुगन्धिकाय वदनाम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनां गन्धेन पूजयामि तथागतं घनसारपतितेन दीपेन तं दंशिना तिलोकदीपं सम्बुधं पूजयामि तमोनुदं बुद्धधम्म च सङ्गन सुगततनुभवा धातो धातुगम्भे लङ्काये जम्बुदिशे तिदसपुरवरे नारलो तिदसपुरवरे नागलोके च धूपे सभ्य भूदस्य बिम्बे सकल दश दिशे केसलो मादि धातु वंदे सभ्य विबुद्धं दश बल तनुजं बोधि चेतियं नमामि वंदामि चेतिये सबं सब ठाने सुपतिपितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा ये समूले निसीनो सबारी विजय अक्का पत्तो सभी युक्तं सत्ता वंदे तं बोधिपादपं इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पीते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते इमायदं मानुदं पटिपत्या तं पूजेमि संघन पूजेमि अदाई माये पटिपतिया जाति जरा मरण महा परिमोची सामी इमी ना पुयंका मेना मामे बाल समागम सतं समागम होतु याव निब्बान पतिया देवो वसतु कालेन सस संपति हेतु च पीतो भक्त तुलोको च राजा भवतु धम्मिको राजा भवतु धम्मिको नीमाये बुद्ध धम्म संग पूजाये कर्ताये शुद्ध चेतसा चिरन्ति तन्तु सदमो लोकोऽन्तु सुखी सदा साधु साधु मनसि वन्दन पिता ये
प्रीति पीसो भगवा रंग समा संबुदो नीजा चरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुतरो पूरी सदम सारथी देव मनुषानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता पशुपन्ना च ये बुद्धा अहं वंदामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं ये तेन सच वचेन होतु ते जय मंगलम् ಮೂಲೆ ಮಾರಂಸೇನಾ ಸಂಬೋಧಿ ಮಾಗಚಿ ಅನಂತ ಯಾನೋ ಲೋಕೋತಮೋತಂ ಪರಮಾಮಿ ಬುದ್ಧಂ ಬುದ್ಧಂ ನಮಾಮಿ ಸ್ವಾಖಾತೋ ಭಗವತಾ ಧಮ್ಮೋ ಸಂದೀಪಿಕೋ ಅಕಾಲಿಕೋ ಯೇಹಿ ಪೌಷಿಕೋ ಓಪನಯಿಕೋ ಪಚತಂ ವೇದಿತಕೋ ವಿನಿವಿತಿ ಧಮ್ಮಂ ಜೀವಿತ ಪರ್ಯಂತಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಕೇಚ ಧಮ್ಮಾತೀತಾ ಚ ಕೇಚ ಧಮ್ಮಾನಾಗತಾ ಪಶುಪನ್ನ ಚ ಯೇ ಧಮ್ಮ ಅಹಂ ವಂದಾಮಿ ಸರ್ವದಾ ನತ್ಥಿ ಮೇ ಶರಣಂ ಅಯಂ ಧಮ್ಮೋ ಮೇ ಶರಣಂ ವರಂ ಯೇ ತೇನ ಸಚ್ಚ ವಚನ ಹೋತು ತೇ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ಉತ್ತಮಂಗೇನ ವಂದೇಹಂ ಸಂಗ ಚತಿ ವಿದುತ್ತಮಂ ಸಂಗೇಯೋ ಕಲಿತೋ ದೋಷೋ ಸಂಗೋ ಕಮತು ತಾಮಮಂ ಕಂಕಿಂಚಿರತ್ನಮಲೋಕೆ ವಿಜತಿ ವಿವಿಧಾಪತು ರತ್ನಂ ಧಮ್ಮ ಸನ್ನತಿತಾಶ್ಮಾ ಸೋತಿ ಭವಂತು ತೇ ಅಠಾಂಗಿಕೋ ಅರ್ಯೋಪಥೋ ಜನಾನಂ ಮೋಖ ಭವೇಶೋ ಜುಭೋವಮಗೋ ಧಮ್ಮೋ ಅಯಂ ಸಂತಿ ಕರೋಪನೀತೋ ನಿಯಾನಿ ಭೂತಂ ಪನ್ಮಾಮಿ ಧಮ್ಮಂ ಧಮ್ಮಂ ನಮಾಮಿ ಸುಪಟಿಪನ್ನೋ ಭಗವತೋ ಸಾವಕ ಸಂಗೋ ಸುಪಟಿಪನ್ನೋ ಭಗವತೋ ಸಾವಕ ಸಂಗೋ ನ್ಯಾಯಪಟಿಪನ್ನೋ ಭಗವತೋ ಸಾವಕ ಸಂಗೋ ಸಮಿಚಿ ಪಟಿಪನ್ನೋ ಭಗವತೋ ಸಾವಕ ಸಂಗೋ ಎದಿದಂ ಚತ್ತಾರಿ ಪುರಿಸ ಯುಗಾನಿ ಅಟ ಪುರಿಸ ಪೂಗಲ ಏಸ ಭಗವತೋ ಸಾವಕ ಸಂಗೋ ಆವುನೆಯ ಪಾವುನಿಯ ದಕ್ಷಿಣಿಯ ಅಂಗಲಿ ಕರಣಿಯೋ ಅನುತರಂ ಕುಯಂಖೇತಂ ಲೋಕ ಸಾಧಿ ಸಂಗಂ ಜೀವಿತ ಪರ್ಯಂತಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಯೇಚ ಸಂಗಾತೀತಾ ಚ ಯೇಚ ಸಂಗಾನಾಗತಾ ಪಶುಪನ್ನ ಚ ಯೇ ಸಂಗಾ ಅಹಂ ವಂದಾಮಿ ಸರ್ವದಾ ನತ್ಥಿ ಮೇ ಶರಣಂ ಅಯಂ ಸಂಗೋ ಮೇ ಶರಣಂ ವರಂ ಯೇ ತೇನ ಸಚ್ಚ ವಚನ ಹೋತು ತೇ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ಉತ್ತಮಂಗೇನ ವಂದೇಹಂ ಸಂಗ ಚ ತಿವಿದುತ್ತಮಂ ಸಂಗೇಯೋ ಕಲಿತೋ ದೋಷೋ ಸಂಗೋ ಕಮತು ತಾಮಮಂ ಯಂಕಿಂಚಿ ರತ್ನಂ ಲೋಕೆ ವಿಜತಿ ವಿವಿಧಾಪತು ರತ್ನಂ ಸಂಗ ಸನ್ನತಿತಾಸ್ಮಾ ಸೋತಿ ಭವಂತು ತೇ ಸಂಗೋ ವಿಸುದೋ ವರದಕಿನಿಯೋ ಸಂತೀಂದ್ರಿಯೋ ಸಮಲಭಿನೋ ಪುನೇಹಿ ನೇಕೇಯಿ ಸಮೀಧಿ ಪತ್ತೋ ಅನಾಸವೋ ತಂ ಪ್ರಮಾಮಿ ಸಂಘನ ನಮಾಮಿ ಸಾಧು ಸಾಧು ಪಾನಿ ದೇಖ ವಿಪತ್ತಿ ಪಟಿವಾಹಯ ಸಬ ಸಂಪತ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿಯ ಸಬ ರೋಗ ವಿನಾಶಾಯ ಭವೇ ದೀರ್ಘಾಯುದಾಯಕ ಸಬ ದುಃಖ ವಿನಾಶಾಯ ಭವೇ ನಿಪಾನ ಸಂತಿಕೆ ಭಂತೇ
अनुपम कत्वा परितं गुप्त मंगलम समन्ता चकवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्म मुनिराजस सुमन्तु सगमोकदम धम्म सवन कालो अयं भदन्ता ये संता संत चीता त्रिशरण शरणा एकलोकंतरे वा भूम भूमा च देवा गुणगंगावता सबकार ये चयंतु देवा वर्तन कमे नेरुराजे वसंतु संतु संतो सहेतु मुनिवर वचनम श्रोतु मगम समगम सभ्येषु च कवालेषु एका देवा च ब्राह्मणो एकमेहि कथं तु येन सर्व सम्पत्ति साधकं सभ्ये तन् अनुमोदित्वा समग्र शासने रता प्रमाद रहिता हन्तु आरभासु विशेषतो शासन सच लोक सहुलि भवतु सर्वदा शासन च लोक च देवा रखन्तु सर्वदा सदी हन्तु सुखी सभे परिवारे हि अतनो अनिका सुमनाहन्तु स सभ्ये हि राजतो वा चोरतो वा मनुषतो वा अमनुषतो वा अगीतो वा उदकतो वा पिशाचतो वा खानुकतो वा कंठकतो वा नखकतो वा जनपद रोगतो वा असद्धमतो वा असंविहितो वा असपुरीषतो वा चंडहति असमिगगो नपुपुर अहिविचिक्का मणिसपतीति अच्छतरच सुकर महिष एकरख साधोई नाना भवतो वा नाना रोगतो वा नाना उपदवतो वा सभ्ये आरख गढ़तु ये तेन सच वजेन होतु ते जय मंगलम ये तेन सच वजेन सब दुखा भया रोगा व्याधि विनाशतु साधु 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 करणीय मत कुशले नंतन संतन पदन अभि समय चको उजुच सुजुच सुवचो चमृद अनतिमानी संतुष्कोच सुबरो चकीचो चलऊ कौती संतिच निपको चपकुलेशु अनुगिदो न च कुदन समाचर किंची नवीनिम परे उपवदे सुखी नो वा खेमी नो हंतु सभे सत्ता भवंतु सुखी तथा ये केची पान भूतती तसा वा थावरा वा अनवसैसा दिघा वाय महंता वा माझी मारस कानो कथुला दिघा वाय वा अधिकता ये च दुरे वसंती अविदुरे भूता वा संभवेशी वा सभे सत्ता भवंतु सुखी तथा न परो परं निकुडेत नातिमय तगतची न किंची व्यारोसन्ना पटिगसैया न्यायमय सदुख विजय माता एता नियंकुतं आयुषा एक पूत मनुरखे एवं सब भूतेषु मानसंभावय अपरिमान मेतंच सब लोकस्मी मानसंभावय अपरिमान उद्दं अदोच तिरियंच असबांदंग वेरंग सपंतं तिथं चरं निसीनो वा सैयानो वा यावत स विगतमिदो ये तं संतिं अधिप्ते ये ब्रह्म मेतं व्यारंगिगमावु दीठिंच अनुपगम सिलवा दसने न संपन्नो कामेशु विनियगे नहि दातु गब्बसें पुनरेति ये तेन सच वजेन सोति ते होतु सबदा ये तेन सच वजेन सब दुखा भया रोगा व्याधि विनाशतु ये तेन सच वजेन होतु ते जय मंगलम उनको सीधी बेटा सीधो बेटो बेटा यही संस्कार है अभी आप उसको जैसे बिठा लोगे वैसे करेंगे सीधी महाकारुणिको नाथो युक्ताय सब पाणिना पुरेत्वा पारमि सब्बा बतु सम्बोधिमुत्तमं ये तेन सच वजेन होतु ते जय मंगलम जयन्तो बोधिया मुले सत्यानन्द नन्दी वर्णो ये वन्तु हम जय वन्तु जय सु जय मंगलम सकत्वा बुद्धरत्नं गोसदं उत्तम वरं कीर्तन देव मनुषानं बुद्ध तेजेन सोतिना न संतु पदवा सभे दुखा उपशमेन्तु ते सकत्वा धम्मरत्नं गोसदं उत्तम वरं परिलाहु उपशमनं धम्म तेजेन सोतिना न संतु पदवा सभे भैया उपशमेन्तु ते
सकत्वा संघरत्न भूषदंगुत्तम वरम आहुनेय पाहुनेय संग तेजेन सोतिना न संतु पद्वा सभ्य रोगा उपशमेतुते यंकिंचि रत्नम लोके विद्यते रत्नं बुद्ध धम्म संग संग नथितास्मा सोति भवन्तु ते नत्ति मे शरणं अयं बुद्धो मे धम्मो मे संगो मे शरणं वरं एतेन सत्वजेन भवतु ते जय मंगलम् सभीतियो विवजन्तु सर्वरोगो विनसतु माते भवत्वन्तराय सुखी दीर्घायुको भव भवतु सब मंगलम् रखन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु संगानु भावेन सदा सूति भवन्तु ते न खतंगेकं भूतानं पापगह निवारणा परितसानु भावेन हुन्तु सभे भूपदवे इन्दु निमित्तं अवमंगलच यौचामना पोषतु न ससदो पापगह सुतीन अकंतान सब बुद्धानु धम्मानु संगानु भावेन विनाशमेन्तु एतेन सत्वजेन सोति ते भवतु सर्वदा एतेन सत्वजेन सब दुखा भया रोगा व्याधि विनाशतु एतेन सत्वजेन होतु ते जय मंगलम् तो हो गए थोड़ी सी देश ना देते थे दे देते वो बेटा को घर नहीं मिला ना तो वो लेट हो गए अपन थोड़ी सी देश ना देते थे तीन सूत हो गए बुद्ध वंदना धम्म वंदना संघ वंदना हो गए चाहे तो एक सूत और भी बोल सकते हैं एवं में सुतं एकं समय भगवा सावती विहरति जेतवने अनाथ पिंडी कस आरामे अतपो अयंकरा देवता अभिकंताय रत्या अभिकंतवन ना केवल कंपन जेतवन वो भाषेतवा ये न भगवा तेनुपसंकमी उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादेत्वा एकमंत अठासी एकमंत गीता कोसा देवता भगवंत गाथाए अजभासी बहुदेवा मनुषा च मंगलानि अचिन्तये आथं बाला सोतानं रोहि मंगलमुत्तमं असैवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतौ मंगलमुत्तमं पतिरूपदेशवासो च पुबे च तत्पुरे च ता अत समापनिधि च एतं मंगलमुत्तमं बाहु सचये च सिपस च विनियो च सुशिखितो सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलमुत्तमं माता पितु पठानं पुत्रं दारस्य संगो अनाकुला च कामन्ता एतं मंगलमुत्तमं दानं च धम्मचर्या च एतं कांगन च संगो अनौजानी कर्माणि एतं मंगलमुत्तमं आरति विरति पापा मजपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगलमुत्तमं गारोच्च निवातो च संतुष्टि च कथयुता कालेन धम्म श्रावणं एतं मंगलमुत्तमं खन्ति च शोच श्रता समना च दर्शनम् कालेन धम्म साकच्चा एतं मंगलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्य च अरे सच्चान दर्शनं निब्बान सचिकिर्या च एतं मंगलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्य च अरे सच्चान दर्शनं निब्बान सचिकिर्या च एतं मंगलमुत्तमं कुटस्य लोकधम्मे हि चित्तं एषं कंपति अशोक विरजं के मंगेतं मंगलमुत्तमं एतादृशानि कत्वानं सभतीं पराजिता सभती सोति गच्छन्ति तंगते संग एतं मंगलमुत्तन्ति एतेन सत्वजेन सोति ते भवतु सर्वदा एतेन सत्वजेन सब दुखा भया रोगा व्याधि विनाशतु एतेन सत्वजेन होतु ते जय मंगलम् देखो भगवान बुद्ध और बाबा साहेब आम्बेडकर जी जीवित नहीं है हमारे बीच में नहीं है ऐसी क्या वजह है कि हम उन्हीं की फोटो रखते हैं उन्हीं की मूर्ति रखते हैं और वंदना करते हैं कथा कोई बता सकता
हम उनके तीन रत्नों की वंदना करते हैं। और उनके तीन रत्न कौन से? बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध के तीन रत्न हैं। और बुद्ध ने हमको क्या है? हमको ही नहीं, सारे विश्व के लिए, विश्व शांति के लिए उन्होंने पावन पवित्र मार्ग दिया। उन्होंने अहिंसा की, शांति की, मैत्री की, करुणा की, न्याय की, सत्य की, समानता की और स्वतंत्रता की शिक्षा दी। क्या हमने इन शिक्षाओं को अपने आचरण में धारण किया? यदि हम धारण नहीं करेंगे तो हमारा विकास कैसे हो सकता? आप देखो कभी हमारी पहले की स्थितियां क्या थी और आज की स्थिति क्या है कि भारत के संविधान में, संविधान के वजह से, बाबा साहब अम्बेडकर जी के वजह से हम लोग नौकरियों में आए हैं, अपना अच्छा किया, सबका अच्छा किया, भरण पोषण किया। इसलिए बुद्ध ने हमें प्रकृति का नियम, विश्व का विधान, निसर्ग का नियम और कुदरत का कानून, वो सब पर एक जैसा लागू होता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, अपना और पराया का भेद भूल जाता है और प्रत्येक कार्य को अपना ही समझकर करता है। इसलिए उनका यह कार्य सच्चाई, निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा से आरंभ होकर पूर्ण होता है। उनके इस कार्य से सर्वत्र सुख और शांति की स्थापना होती है। परोपकारी व्यक्ति या महिला अपने सत्कर्मों से दीन दुखियों की, घायलों की, अपंगों की, अनाथों की सेवाओं के लिए अपना आत्म बलिदान करते हुए मृत्यु को गले लगाते हैं। वे मरने से डरते नहीं है, वीरों की भांति आगे बढ़ते हुए जीवन भर कल्याणार्थ लगे रहते हैं। उसी तरह बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता, उस पूजा करने वाले की पूजा होती है, वंदना करने की, वंदना करने वाले की वंदना होती है और वो ये सवर कीर्ति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता, वह आग के समान प्रज्वलित होता है, देवता के समान प्रकाशमान होता है, वो श्रीयुक्त होता है। जो व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता, वो ऊंचे पर्वत अथवा वृक्ष से गिरा हुआ व्यक्ति गिरकर भी सहारा पा लेता है। जो व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता, उसे शत्रु कभी भी पराजित नहीं कर सकते। जैसे कि मजबूत जड़ वाले बरगद के वृक्ष का हवा, आंधी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जो व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता, वो प्रसन्न चित्त से अपने घर लौटता है, सभा में उसका स्वागत होता है, जाति बिरादरी में उत्तम माना जाता है। जो व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता, वो किसी मोहल्ले, कस्बे या राजधानी में चले जाता है, सर्वत्र पूजित होता है। जिस तरह तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर जी को चारों ओर पूजते, चारों ओर मानते, चारों ओर उनकी वंदनाएं करते हैं। इसलिए बुद्ध कहते, जो व्यक्ति सच को झूठ और झूठ को सच मान लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति सच को सच और झूठ को झूठ मान लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सत्य की प्राप्ति होती है। इसलिए धम्म संसार के अंधकार को समाप्त करने वाला ज्ञान का दिव्य प्रकाश है। धम्म ही आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकता है। इसलिए धम्म स्वयं धारण कर स्वयं शीलवान बने, समाधिवान बने, प्रज्ञावान बने, ऐश्वर्यवान बने, विनयशील बने, त्यागी बने, समतावादी बने, यही मंगल मूल है। जिसके बुद्धि में बुद्ध होंगे, उसके विचार ही शुद्ध होंगे, अन्यथा पाखंडी धम्मों से तो बस युद्ध ही युद्ध होंगे। इसलिए हमें आज बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान कैसे बनाया, उनके पास बुद्ध ज्ञान की ऊर्जा थी और बुद्ध ज्ञान के ऊर्जा से ही बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे,
सच्चे समाज सुधारक और सच्चे मानवतावादी देशभक्त थे। वे सच्चे राष्ट्र प्रेमी थे। उन्होंने राष्ट्र को अधिक महत्व दिया, किंतु गरीबों के हितों को सर्वोपरि मानते थे। उनकी धारणा थी कि जहाँ जहाँ स्वयं के ही और गरीबों के हितों में टकराव होगा, तो वे स्वयं को हितों को त्याग देंगे और गरीबों को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा था, यदि राष्ट्र हित में और गरीबों के हित में टकराव होगा तो मैं राष्ट्र के हित को छोड़ दूंगा, लेकिन गरीबों के हितों को नहीं छोड़ सकता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी महान बुद्धिवादी, महान प्रज्ञावादी, महान विज्ञानवादी थे। वे निर्भीक थे, निडर थे, साहसी थे और निर्भीक होकर शोषित, पीड़ित, गरीब, अमीर सबके हित में कार्य करते थे। शोषित, पीड़ित, गरीब, अमीर जनता के मित्र थे। शोषित, पीड़ित, गरीब, अमीर सबके प्रति सहानुभूति रखते थे। सदा धम्म का आचरण करते थे और बाबा साहेब अम्बेडकर जी सबके हित के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहते थे। वो चाहते थे कि मेरे गरीबों को कहीं दुख ना हो, उन्हें हमेशा शांति ही शांति मिले, शांति शांति मिले। सब पाप अकरण कुशल उपसंपदा सचित परियो दपना एतन बुद्धान शासन धम्म चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च न तावता धम्मदरो यावता भवभासति यवच पै सुत्वानं धम्मकाय न पसति सर्वे धम्मधरो होति यव धम्म न पमिदति। साधु साधु साधु। तीन बार वंदन करो आपने। देखो व्यक्ति के मन में लगन होना चाहिए। इनको इनको लगन थी। ये भी बहुत दूर रहती है, ये मैडम बहुत दूर रहती है, तब भी बोलती तुम जाओगे तो मैं भी फूल है ना। उनको भगवान बुद्ध को बाबा साहब था, फिर अपनी माता जी को फूल डाल के फिर फूल वो ना ये यही है ना, फूल पेट में रखे, वो पेट में आपके आगे रखे। हाँ चलो ये देखिए आप लोग सब वंदन करो, क्योंकि इनके कारण ना सब वंदन करो, इसी के कारण सभी को सभी को सारी सम्मान जब सभी लोग एक करते तो एक एक दूसरे को हाथ लगाओ तब भी होता है। पानी चाहिए। घर में बहू ये भी सब बैंक वाली है। महिलाओं को सम्मान समानता का अधिकार मिलता है तो महिलाओं ने भी बहुत तरक्की की है। एक उज्जैन में ज्योति बेले करके है, वो बोलती है, वो बोलती है मैं 6 जिले देखती हूँ। अब आप लोग ना सब एक साथ हो जाओ तो मैं आशीर्वाद गाथा दे देती हूँ, फिर मेरा काम। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सब लोग एक साथ हो जाओ तो मैं आशीर्वाद दे देती हूँ, फिर हम लोग बाद में नहीं ऐसे पूछ रहा हूँ ना, नहीं माला अगर लाए हैं तो चढ़ा दो, आपकी मम्मी को चढ़ा दो। सबसे पहले करना चाहिए, सबके पहले करना।
सब लोग बैठो तो फिर मैं आशीर्वाद सभे पूरेन्तु चित्त संकल्पा चंदोपनरो सहिता आपकी चाही हुई व मांगी गई सभी वस्तुएं आपको शीघ्र प्राप्त हो। आपके चित्त के सभी संकल्प पूर्णिमा के चंद्रमा के समान पूरे हो। सभ्य बुद्धा बल पता पचे कानन चैन बलम अरंतानन च तेजे न रसंग वंदामी सबको। सभी प्रकार बल प्राप्त बुद्धो प्रत्येक बुद्धों के बल से और सारे विश्व के अरहंतों के तेज से आपका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, आयु आरोग्य संपत्ति सर्व संपत्ति में वच तथो निपान संपत्ति इमी नाते समीजतु। तुम्हें दीर्घायु संपत्ति प्राप्त हो, आरोग्य संपत्ति प्राप्त हो और स्वर्ग में जितनी धन संपदा उससे कई गुना ज्ञान संपत्ति प्राप्त हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, बुद्ध धर्म सर्व सदा की रक्षा करे, मंगल हो, मंगल हो। चढ़ा क्या तुम बस जाना पन्नी में दो तीन फूल है उसको तोड़ लो। चलन बोलो बंटू आ जा।
मोबाइल निकाल दो, हो गया।